ये बात है अप्रैल 2020 की, जब जब टिकटॉकर्स कुछ इस तरीके की वीडियो बना रहे थे। हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी। हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा। मस्त जोक मारा रे। जो यूट्यूब के जितने भी बड़े बड़े रोस्टर और छोटे रोस्टर है, वो सारे यूट्यूब को लगातार रोस्ट करने में लगे हुए थे। और इसी बीच अल्वेश यादव ने एक वीडियो बनाया जो कि था रोस्ट वीडियो। उसमें उसने सारे टिकटॉकर्स, बड़े बड़े टिकटॉकर्स को उसने टैग किया और उसको रोस्ट किया। और अल्वेश की वीडियो पे इन दीदी ने एक वीडियो भी बनाई। यू देख रहे हो, आई नो तुम ये वीडियो देखोगे इवेंचुअली। यू वर माय फ्रेंड। नहीं, बॉडी शेम मत करो, क्लास डिस्क्रिमिनेट मत करो तुम। इसी वीडियो में ये दीदी आगे बोलती है कि बॉडी शेम मत करो, अगर अपन कैरी भैया की भाषा में बोले तो मोटे को मोटा मत बोलो, पतले को पतला मत बोलो, तो भाई रोस्ट होगा कैसे। अबे साले, माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता। एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में ना 4 घंटे लग जाते हैं, मुझे तो लग जाते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। आगे बोलते हैं कि इन्हें एक ट्रांजेक्शन वीडियो बनाने में 4 घंटे लग जाते थे। हम लोग जब 15 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो हमें सोचो कितना टाइम लगता होगा। इनटू करके देख लो, उसको एडिट करने में और अलग से फटती है, ठीक है, उसको स्मूथ बनाने में और अलग से फटती है, साउंड्स ढूंढने में भी फटती है। तुम चुप, बिल्कुल चुप। तो सबको सही चल रहा था, इधर तक सबको सही चल रहा था। अल्वेश यादव उन दीदी पे एक वीडियो बना देता है, वो उन पे रोस्ट बना देते हैं, दोनों रोस्ट रोस्ट चल रहा था। और इसी बीच एक टिकटॉकर जिसका नाम था आमिर सिद्दीकी, वो वीडियो डालता है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो ये रहा वो वीडियो। रुको जरा, सबर करो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। What's up everybody, that's your boy आमिर सिद्दीकी, live all the way from मुंबई। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज, आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ। तो गाइज यार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे, जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी। तो गाइज, मैं अब भी आया हूँ अपने टिरैक्टर को पार्क करके अपने पिलॉट पे। तो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यूट्यूबर्स है, इनके कंटेंट एकदम ढासू है, कतई जहर कंटेंट बनाते यार इन लोग। हमें पता है यार, हम जहर कंटेंट बनाते, लेकिन भाई तू भी क्या जहर कॉपी करता है यार। स्टार्ट वीडियो स्टार्ट हुई नहीं भाई, तूने कैरी का सीधा डायलॉग ही कॉपी कर लिया। और भाई तो कैसे हैं आप लोग, और आमिर सिद्दीकी ने जो बात करी ना इस वीडियो में, टिकटॉकर और यूट्यूबर कम्युनिटी, टिकटॉक कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी, और इसके बाद ना हर एक बंदे ने, मतलब कमाल हो गया, हर एक बंदे ने यूट्यूब पे सीधा टिकटॉक का रोस्ट किया है। हर एक बंदा इस पे ही वीडियो बना रहा है आजकल के, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। और फाइनली सबको इंतजार था एक बंदे की वीडियो का, जिसका नाम है भाई कैरी मनाटी। कैरी मनाटी का वीडियो जैसे ही आया भाई, उसकी वीडियो पे बहुत बहुत ज़्यादा ही जल्दी भाई 6.7 मिलियन हो गए थे, अप्रॉक्स 7 मिलियन के अप्रॉक्स पहुँचने वाला था उसका वीडियो। लेकिन बोले तो यूट्यूब के, मतलब यूट्यूबर जितने भी टिकटॉकर्स थे, उन्हें मिल के उस यूट्यूब की वीडियो, उसकी भाई कैरी की वीडियो पे पूरा मतलब रिपोर्ट किया, और उसका वीडियो नहीं पता, कैरी को खुद नहीं पता किस डायलॉग की वजह से, मगर उसका वीडियो डिलीट हो गया। अब जब कैरी का वीडियो डिलीट हो गया था तो फिर यूट्यूबर्स पे भाई बात आ गई कि यूट्यूब की बात हो रही है भाई, वो लोग एकता दिखा रहे भाई, एक साथ हो गए। तो फिर क्या कि यूट्यूबर्स जितने भी यूट्यूबर्स थे ना, वो सारे एक साथ आ गए भाई, और टिकटॉक की जो रेटिंग थी 4.6 रेटिंग से सीधी 1.2 तक रेटिंग पहुंचा दी, सीधी 1.2 पर रेटिंग पहुंचा दी। और भाई टिकटॉक की रेटिंग गिरने लगी तो क्या किया टिकटॉक वालों ने, आमिर सिद्दीकी का अकाउंट बैन कर दिया, और जो उसके साथ साथ फैसल सिद्दीकी का क्या अकाउंट बैन हो गया। फैजल का अकाउंट बैन होने की वजह ये थी कि जो फैजल था, उसने जो अकाउंट था उसका, उस पर एक पोस्ट डाली थी, एक वीडियो डाली थी, वो रही ये। क्या हुआ, उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? तू रोएगा पछताएगा। रही वो वीडियो, इस वीडियो में ये है ना, जो एक बंदे के ऊपर जो लड़की होती है उसके ऊपर पानी फेंक के मारता है, वीडियो में दिखाया गया एसिड फेंक के मारता है, जो भी होता है, इस वजह से इस बंदे पे पुलिस केस हो जाता है और इसका अकाउंट डिलीट करना पड़ता है। और अभी चल रहा है इसका अकाउंट, मैं बोलता हूँ इसका अकाउंट वापस आ जाए तो ठीक है। और आमिर सिद्दीकी का अकाउंट भी बैन हो चुका है, और उसका अकाउंट बैन रहे तो सही है। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। गाइस, आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि ये पूरा जो मामला है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, ये किस वजह से फैल रहा है और इसके पीछे क्या वजह थी। तो भाई मेन जो, अगर शॉर्ट में बताऊँ तो मेन जो बंदा था जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा था,
वो था आमिर सिद्दीकी। तो भाई यही कहूँगा, आमिर सिद्दीकी को भाई अकाउंट पूरे से बैन कर देना चाहिए। उसने भाई टिकटॉक और यूट्यूब को अलग अलग किया था और भाई वो आज खुद भोका धराया अपना नतीजा। और उसके ये टिकटॉक और यूट्यूब को अलग अलग करने की वजह से उसका ही लॉस हुआ है, अपना तो भाई कोई नुकसान ही नहीं है। बल्कि अपन को भाई पूरे यूट्यूब को भाई कंटेंट पे कंटेंट ही मिले जा रहा है। सारे कॉमेडी एक्टर्स, टैक यूट्यूबर्स और रोस्टर्स सब ने भाई इस पर वीडियो बना दिए। सारे कॉमेडी वाले इस पर वीडियो बना रहे हैं कि भाई के मतलब टिकटॉकर्स इस यूट्यूब पे, यूट्यूबर्स इस टिकटॉक और टिकटॉकर्स भाई अब जितनी होती थी पहले उससे डबल बेइज्जती हो रही है। तो मतलब मेरे हिसाब से जो टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है भाई, वो टिकटॉक का प्लेटफॉर्म ही ख़राब है, बाकी जो टिकटॉकर से उनकी गलती है ही नहीं। क्योंकि वो जब चेक करते हैं कि भाई हम 10 अच्छा वीडियो बनाते हैं उसमें से जो एक सबसे ख़राब होता है वही पॉपुलर हो रहा है, तो वो ये सोचते नहीं हमारी पब्लिक को वो दो जो एक वीडियो ख़राब है वही पसंद आ रहा है, तो वो उससे रिलेटेड ही कंटेंट बनाने लगते हैं। क्योंकि अभी मैं जो कुछ आपको वीडियो दिखेंगे आप जो ये इन बंदों के भाई टैलेंट है और ये भाई मतलब कुछ कर चुके हैं। अभी जो ये जैक्सन बाबा आपको दिख रहा है इसकी भाई वीडियो जो थी, ये बंदा है ना इसी प्लेटफॉर्म से टिकटॉक से ही बॉलीवुड तक गया। इस ये भाई वरुण धवन ABCD2 के ABCD3 के स्ट्रीट डांसर से मिल चुका है और इसकी तो भाई लाइफ बन गई बंदे की भाई, अच्छा खासा डांसर है। और भी कुछ हैं जो भाई डांसर है, ये जो एक ये दिख रहा है भाई ये डांसर बेचारा बहुत गरीब है, इसने अपना घर दिखाया था। और भी कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं और भाई टिकटॉक से ही बहुत कुछ कर रहे हैं, टिकटॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं। टिकटॉक को अपना प्लेटफॉर्म साफ करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। एक बार टिकटॉक बैन हो चुका है जब उसका नाम था म्यूज़िकली, फिर उसने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया और टिकटॉक बन गया, लेकिन उसमें भी कुछ खास नहीं है। अगर मैं कहूँ तो उसको थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए और नाम यही चलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा और इम्प्रूव करें। और अगर आपको ऐसा एक माइक बनाना है तो यार आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आमिर सिद्दीकी के हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा और फुल्ली रोस्टेड वीडियो होगा, पूरा उसको धोएंगे, आमिर सिद्दीकी के ऊपर ही होगा पूरा वीडियो। उस वीडियो को देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है नीचे, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बाय गाइस।